नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर ट्विस्ट में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक्सेल के अंदर REF एरर कब आता है और उसको कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये कोई डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे मैथ और इंग्लिश के मार्क्स का टोटल हमें यहाँ करना है। अब जैसे यहाँ के राम श्याम राहुल, और यहाँ पे भी राम श्याम राहुल लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि राम के टोटल मार्क्स जो मैथ और इंग्लिश के ये हैं और मैथ और इंग्लिश के ये हैं, इसका मैं सम यहाँ करूँ। तो मैं कैसे करूंगा, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू दिस वैल्यू कोमा इंग्लिश के मार्क्स, फिर कोमा, फिर मैथ के मार्क्स, फिर कोमा और फिर इंग्लिश के मार्क्स, और फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो जैसे मैंने ये किया, ये इसने सम करके यहाँ दिखा दिया। बट अब गलती से क्या हो जाता है कि मेरे को ये वाले इंग्लिश वाले जो नंबर हैं या ये वाली पूरी रो ही डिलीट हो जाती है इस तरीके से, तब ये यहाँ पे REF एरर आएगा, रेफरेंस एरर आएगा। मतलब जो भी रेफरेंस आपने चूज किया हुआ था वो गलती से डिलीट हो जाए या मिसप्लेस हो जाए, तब ये हमेशा रेफरेंस एरर शो करता है। इसको रिसॉल्व करने के लिए फिर से इसको आपको पाथ देना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।